डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अजीबोगरीब तरीके से बनाए हुए ये घर किसी आर्टिस्ट की कल्पना नहीं बल्कि हकीकत में ऐसे घर बनाए गए हैं। डेनमार्क के द्वीप लईसो में समुद्री शैवाल ईलग्रास से एक खास तरह का घर बनाया जाता है जिनमें ना तो कभी जंग लगता है और ना ही कीड़े लगने का डर। यहाँ तक कि भूकंप जैसे झटकों को भी ईलग्रास से बने ये घर झेल लेते हैं। लईसो द्वीप में ऐसे कई घर बने हुए हैं। दरअसल ये घर समुद्री शैवाल ईलग्रास से बनाए जाते हैं जो कई जनरेशन तक टिकने की क्षमता रखते हैं। ये अनोखे घर 17वीं सदी से बनाए जा रहे हैं। दरअसल लईसो द्वीप पर समंदर से नमक बनाने का उद्योग काफी फला फूला और उद्योग धंधों के लिए पेड़ों को काफी तेजी से काटा गया था। इस वजह से लकड़ियों की आपूर्ति कम हो गई और तभी से सिलसिला शुरू हुआ समुद्री घासों से इस तरह के घर बनाने का। हालांकि समंदर के बीचों बीच बसे होने की वजह से लईसो द्वीप को एक फायदा जरूर हुआ, वो ये कि बहुत बार जहाज या पोत समंदर में किसी हादसे का शिकार होते थे और टूट फूट कर द्वीप के किनारे से लग जाते थे। इस कारण लोग इन लकड़ियों को जमा करके इनसे अपना घर बनाने लगे और छतों के लिए समुद्री शैवाल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1920 में समुद्री घास में जब एक फंगल इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ के लोगों ने शैवाल का इस्तेमाल बंद कर दिया और धीरे धीरे इन शैवाल से बने घरों की संख्या आज 1800 लोगों की आबादी वाले लईसो द्वीप पर सिर्फ 36 है। फिर 2012 में दोबारा इस तरह के घरों को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि अब यहाँ ईलग्रास नाम से समुद्री शैवाल की एक खास किस्म को घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये घास इसीलिए भी खास है कि ये आग नहीं पकड़ती और ना ही इसमें जंग और कीड़े लगने का डर रहता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ईलग्रास कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के साथ ही घरों में रहने वाले लोगों के लिए किसी एयर प्योरिफायर से कम नहीं है। तभी तो ऐसे घर इको फ्रेंडली होते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।